देखिए अगर देखा जाए तो 2017 में 57 विधायक लेकर बीजेपी ने सत्ता बनाई, लेकिन इन 5 सालों में 3 चेहरे दे दिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत दे दिए, तीरथ सिंह रावत दे दिए और आखिर में पुष्कर सिंह धामी दे दिए। कांग्रेस ने 11 सीटें दी थी और अन्य 2 के पास रही हैं। तो ऐसे में अगर हम अभी 2022 को समझने की कोशिश करें तो इन 3 चेहरों का असर बीजेपी पे पड़ सकता है, क्योंकि 2017 में तो एक आंधी सी बीजेपी की हमें देखने के लिए मिली थी, कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई थी, लेकिन इस बार जो कांग्रेस में बदलाव हुआ है क्या उसका पॉजिटिव असर कांग्रेस पे दिखेगा? काजोल, जो उत्तराखंड की राजनीति को देखें और समझें तो ये चेहरों को लेकर जो पहले होती थी 3G मतलब खंडूरी जी, निशंक जी, कोश्यारी जी, अब हो गई 6G। जैसे हम जा रहे हैं कि 3G, 4G, 5G, 6G, अब उत्तराखंड में चलती है 6G। 3G तो वही हो गई, कोश्यारी जी, निशंक जी, खंडूरी जी, अब हो गए तीरथ जी, त्रिवेंद्र जी और धामी जी, ये हो गई 6G बीजेपी की। तो ऐसे में चेहरा बदलना उत्तराखंड का इसे दुर्भाग्य ही माना जाता है राजनीतिक नजरिए से, सौभाग्य तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। लेकिन अब उत्तराखंड की जनता भी समझ गई है कि यहां पर सीएम की गारंटी नहीं है, सरकार की गारंटी हो सकती है लेकिन सीएम की गारंटी नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, किसी भी राजनीतिक दल का बने। इतिहास उठाकर देखिए, खंडूरी जी अगर सिर्फ एक मुख्यमंत्री के तौर पर, इसलिए ये मुद्दा नहीं है क्योंकि नारायण दत्त तिवारी सरीके दिग्गज ही 5 साल मुख्यमंत्री बन पाए, और वो भी किस तरह से बन पाए ये उत्तराखंड का इतिहास जानने वाले राजनीतिक दल बाखूबी जानते हैं। हरीश रावत और नारायण दत्त तिवारी के भीतर 36 का आंकड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर भी तिवारी जी का अनुभव और कद इतना राजनीतिक बड़ा था कि हरीश रावत चाहकर भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं पाए। और उसके बाद का दौर देख लीजिए, क्योंकि ये छोटा राज्य है, और जब नित्यानंद स्वामी बने थे तब उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी आ गए, फिर उसके बाद तिवारी जी आए, और तिवारी जी के बाद खंडूरी जी आए। खंडूरी जी अपना जो उनका कड़क मिजाज था, ये मुद्दा क्यों नहीं है मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, और फिर उसके बाद पुष्कर के पास रुक करूंगा, ये मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि खंडूरी जी जब उनको सत्ता दी गई, कमान दी गई, तब उस वक्त कोश्यारी खेमा और खंडूरी खेमा माना जाता था, और ऐसी स्थिति में जब खंडूरी मुख्यमंत्री बने तो एक फौजी मिजाज खंडूरी जी को आशीर्वाद था अटल बिहारी वाजपेयी का, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और वाजपेयी जी के आशीर्वाद से जब वो मुख्यमंत्री बने तब उसके बाद तमाम विधायक दिल्ली आ गए, और दिल्ली आके उन्होंने शिकायत की खंडूरी जी की कि इनके साथ काम करना मुश्किल है क्योंकि ये सरकार नहीं चला रही, ये फौजी मिजाज है, अगर कोई विधायक 5 मिनट लेट आ गया तो आप 5 मिनट लेट क्यों आए, कल आना। तो ऐसी स्थिति में निशंक जो कि खंडूरी जी के खास माने जाते थे तब उन्हें मौका मिला, और निशंक जी को मौका मिला तब उसके बाद तमाम आरोप लगे सरकार के ऊपर, तब कुंभ घोटाले तक का जिक्र किया गया, जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर जिक्र किया गया, उसको लेकर क्या हुआ क्या नहीं वो एक अलग विषय है। फिर उसके बाद जब बीजेपी ने देखा जो स्थिति आज 2022 की आप देख रहे हैं, तब उस वक्त 2011 में ये स्थिति पैदा हुई थी, 2011 में जब पार्टी ने सर्वे करवाया तो पार्टी ने ये पाया, संघ और पार्टी के सर्वे में बीजेपी फिसड्डी साबित हो रही है, यहां तक कि 15 से 16 सीटें आ रही थी निशंक जी के नेतृत्व में, जो इंटरनल सर्वे था जो उनके करीबियों ने मुझे बताया, और उसके बाद मजबूरन बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा कि खंडूरी है जरूरी के नारे के साथ वापस जाना है हमें, फिर खंडूरी जी को कमान सौंपी गई, और यही नतीजा था, भले ही खंडूरी चुनाव अपना हार गए लेकिन 31 और 32 की फाइट पर लाकर बीजेपी और कांग्रेस को खड़ा कर दिया, क्योंकि मेजर जनरल ने वहां पर उस लड़ाई को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से लड़ाई से बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, बैकफुट पर थी, और माना जाता है कि खंडूरी के चेहरे के सहारे ही खंडूरी भले ही कोटद्वार से चुनाव हार गए, आज उनकी बेटी बदला लेने के लिए चुनावी रण में, आज बेटी बदला लेने के लिए चुनावी रण में है राजनीतिक बदला उसी सीट पर, कोटद्वार की सीट पर, लेकिन उस वक्त स्थिति यह पैदा हुई, और फिर उसके बाद जब सत्ता बदली 31-32 का यहाँ पर फैक्टर जिसका मैं कह रहा हूँ कि एक ठीक है, तिलक जी इस पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे क्योंकि आज